अस्य श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपित्थजं भूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। पादुपंकजं बोलिए मंगलमूर्ति श्री गणेश जी महाराज की। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं जिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र की जय। रघुवीर राम चंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतन की लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे राम राम हरे हरे हरे।
लोग गाइए ताली बजा के। राम राम हरे हरे, जोर से ताली बजा के सब गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे, ताली बजा के भाव से हरे राम। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके राधे श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम
मिलके बोलो जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 हरि बोल 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 जय 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 तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी ये जो सत्संग होता है उसका मूल अर्थ यही है कि हे प्रभु मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता तुम मुझे ढूंढो हम कहां खोए पड़े हैं हमको पता ही नहीं है हम कहां हैं मैं अपनी खोज नहीं कर पा रहा तुम्हारी खोज मैं क्या करूं मुझे अपना ही पता नहीं है मैं कहां हूं अब मैं आपको नहीं ढूंढ सकता आप मुझे ढूंढो मैं कहां हूं तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे पांच विकार से हां की जाए पांच तत्व की ये देही पांच विकार से हां की जाए पांच तत्व की ये देही इसलिए बर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब केरी पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब केरी ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी सुध लो सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी यमुना तटना नंद वटना गोपी ग्वाल कोई दीखे
यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दीखे कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरू कोई दीखे अब सांझ भई जीवन की जब संध्या काल आ जाती है तब अब सांझ भई घनश्याम व्याकुल कैया तेरी अब सांझ भई घनश्याम मैं व्याकुल कैया तेरी सुध लो मोरी मोरी सुध लो सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल मैं कोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं कोई गैया तेरी कित पाऊं तरुवर छाऊं जित सांझे कृष्ण कन्हैया मन का ताप श्राप भटकन का तुम्ही हरो हर रास रचैया मैं रोज निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी मैं रोज हम सत्संग करते हैं व्रत करते हैं पूजा करते हैं मूल में क्या होता है कि भगवान हमारी सुध ले हम भगवान की सुध ले इसलिए नहीं करते भगवान हमारी सुध ले इसलिए सुध लो मोरी गोपाल मैं कोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं कोई गैया तेरी वंशी के स्वरनाद में टेरो वंशी के स्वरनाद में टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो अब मुझे उबारो गोपाल मैं कोई गैया तेरी अब मुझे उबारो गोपाल मैं कोई गैया तेरी हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
रामा गाइए श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सधार पर नौ नगवर विमल जसो जो नायक पचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार मल बुद्ध में जारे हम ही हर हो कलेश महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल हाथ वज्र अर्धजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाज वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम यम कबीर दिगपाल जहां दे कब को विद कही सके कहां दे तुम उपकार सभी भई दीना राम किराए राज दीना तुम रो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जब सहे से लोजन पर भानो लियो काए मधुर बल जानू कब मंत्र का मेल मुख माही जल भिला के अजर अज नाही तुर कब काज जगत के जेते सुख मानो प्रेम रे बाबा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो
सहु सुर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर शुचि नाम जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास मम हृदय कंज निवास मम हृदय कंज निवास दल दल श्री राम चंद्र कृपाल भज मन
हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने सदगुरु को भाव और श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी मय चूरन चारु समल सकल भव रुज परिवारु गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रिक दोष विभंजन कहि कर विमल विवेक विलोचन जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो प्रभु कृपा करो कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बजा के सब गाइए उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए गोविंद दियो बताए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। गुरु कैसा हो जे मन दिया बांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले जे मन दिया बांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई खाली बजा के ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले जे तार हरी नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले जे तार हरी नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले 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 संत दर्शदा बड़ा महातम संत दर्शदा बड़ा महातम संत दर्शदा बड़ा महातम संत दर्शदा बड़ा महातम दुर्लभ जग में संत समागम दुर्लभ जग में संत समागम
दुर्लभ जन में संत समागम, दुर्लभ जन में संत समागम। जो रोके मन के घोड़े, जो रोके मन के घोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। जे तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जे तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत संतों के पास जाकर के, सत्संग में जाकर के केवल चार पांच बातें सीखें हम और आप सब, केवल इतना सीख करके अपने जीवन में उतार लें तो हम सबका जीवन नहीं 2017 तो कम से कम अच्छा हो सकता है। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी, ताली बजा के सब गाइए, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। राजा राम 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 मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तब तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में घनश्याम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में घनश्याम तेरे साथ में। भगवान तेरे साथ में हनुमान तेरे साथ, भगवान तेरे साथ में हनुमान तेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू कर गरीबों का भला, बदनसीबों पर रहम, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कि कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम,
सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सप्त ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सप्त ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुग्राम के इस पावन पुनीत जगपुरा गांव के इस पावन पुनीत रामलीला मैदान के पावन प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति हम और आप सब इस वर्ष भी 2017 के वर्ष को प्रणाम करने के लिए और भगवान के चरणों में अनुरोध करने के लिए, आज तक जो हुआ जैसा हुआ सब आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ है, आगे का वर्ष 2017 भी आपके चरणों में हम समर्पित करने जा रहे हैं, इसका रक्षण भी प्रभु आप ही करना। इस हेतु से ये त्रिदिवसीय उत्सव यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से परम पूज्य पुंडरीक जी महाराज के पावन मुखारविंद से, जिनकी व्यासपीठ के चरणों में हम और आप सब बैठे हैं, ऐसे महाराज श्री के पावन पुरी चरणों में श्री कृष्ण कथा के भागवत जी के पावन चरणों में बैठ करके आज हम और आप सब ऐसी व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री हनुमंत चरितमानस श्रीमद मानस सुंदरकांड का हम और आप सब आज पारायण करने जा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई भी कथा में प्रवेश होता नहीं है, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनी बेकोरसिया, प्रभु चरित्र सुनी बेकोरसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी कथा के रसिया हैं तो कथा सुनने के लिए आयोजन कराते हैं, खुद कथा श्रवण करते हैं और हनुमान जी के चरित्र को गाने से राम कृष्ण मिलता है।
इसलिए आज सुंदरकांड का पाठ प्रथम दिन होने जा रहा है कि आज हनुमान जी पधारो, आप आकर के इस कथा का श्रवण करो और फिर जब हम आपकी कथा को गाएं तो हमारे हृदय में भी राम आए, कृष्ण आए, इष्ट आए। तुम रे भजन राम को पावे, तुम रे भजन राम को पावे। और जीवन में जब राम कृष्ण आपका इष्ट मिल जाता है तभी जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी सब सुख लहै तुम्हारी शरणा बाबा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, सब यानी भगवान भी तुम्हारे अधीन है, हम और आप भगवान तक पहुंच नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो जब तक हनुमान जी की आज्ञा ना हो, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका मतलब परमात्मा ही जीवन में सब सुख है और इस सब सुख को प्राप्त करने के लिए हनुमान रूपी सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा बाबा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना बाबा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सुख मिलता है, इंश्योरेंस के साथ भगवान की कृपा से, जो भगवान से आप सुख मांगो तो भगवान देता जरूर है, लेकिन ये सुख कब तक टिका रहेगा इसकी गारंटी भगवान नहीं लेता। उस सुख से आपको दुख भी मिल सकता, हमने मांगा सुख है लेकिन हो सकता है कि उससे दुख मिले। जैसे मान लो हम भगवान से कहें कि इस बार ठंडी ज्यादा पड़ने वाली है तो आप हमें एक बढ़िया वाला कोट लाके दे दो, और भगवान कोट लाके दे दे, और मान लो उस बार सर्दी पड़े ही ना, लेकिन उसकी गारंटी ये है आपको एक साल ही पहनना है बस, क्या करेंगे फिर? अगर कोट पहन के घूमो तो पसीने में नहा जाओगे क्योंकि सर्दी है ही नहीं, तो वही कोट आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। मांगा तो हमने सुख था लेकिन वही दुख का कारण बन जाता है। हनुमान जी की कृपा से जो सुख मिलता है उसका रक्षण भी हनुमान जी ही करते हैं। तुम रक्षक काहू को, जैसे आप टीवी खरीदने जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ, कोई भी आइटम खरीदने जाओ तो हम सबसे पहले दुकानदार से पूछते हैं ये बताओ इसकी गारंटी कितनी, कोई कहे 2 साल, कोई कहे 5 साल गारंटी वारंटी जो होता हो, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं मेरे द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो लाइफ टाइम गारंटी के साथ होता है, कि सुख का कोई तोड़ नहीं है। तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी
से कहो प्रभु सब सुख लहै तुम्हारी शरणा सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का तुम रक्षक जो हनुमान इतना काम करता है हमारे जीवन को सुख से भर देता है उस हनुमान को बदले में आप क्या दे सकते हो क्या देंगे उसे हम वही चीज दें जो उनको पसंद है जिस व्यक्ति को जो पसंद हो अगर उसकी पसंदीदा वस्तु दो तो वो और ज्यादा पसंद होता है तो हनुमान जी को पसंद एक ही चीज है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया सीता मन बसिया सीता बसिया हनुमान जी सीता माँ के मन में कब बसे उसी चरित्र की गाथा का नाम सुंदरकांड है सीता मन बसिया सीता मन बसिया सीता मन बसिया सीता मन बसिया बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय ऐसा जीवन जिसका बने उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है और इसी हेतु से ये प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय उत्सव मनाया जाता है कि हनुमान जी की कृपा से भगवत कथा हो भगवत कथा ही जीवन का सब सुख है और वो सब सुख की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी की कृपा से मैं आप सबको इस व्यासपीठ से नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत शुभकामना करता हूँ कि 2017 का वर्ष आप सभी के लिए तन और मन से सदा स्वस्थ रहे आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे धन धान्य से आपका परिवार सदा परिपूर्ण रहे आपके ऊपर सदा आपके इष्ट की और आपके पूर्वजों की कृपा सदा बनी रहे ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए मैं आज की सुंदरकांड को श्री हनुमान जी के और ठाकुर जी के मनोहर झांकी के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं आप सबके साथ पुनः आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए एक बार अपने लिए ही ताली बजाइए जोर से ताली ठाकुर जी कि भगवान से प्रार्थना करो प्रभु ये ताली हम तुम्हारे लिए बजा रहे हैं ताकि तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी बच्चा जब खो जाता है कहीं मेले में तो बच्चा अपनी माँ को नहीं ढूंढता थोड़ी देर तो इधर उधर भटकता है फिर एक ही जगह खड़े होकर केवल रोने लगता है और केवल चिल्लाता है फिर माता या पिता जो होते हैं वो ढूंढते हैं फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बच्चा खो गया है उसे ढूंढो बस ऐसे ही संसार के अंदर माया मोह में हम सब भी खोए पड़े हैं भगवान से कहो प्रभु हम तो खो गए अब ढूंढो आप तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी क्योंकि ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी हम सब अपने अपने जीवन की यात्रा करें अपने अपने जीवन का दर्शन करें तो देखें
ऊपर से तो हम सब मुस्कुराते हुए हैं, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति बहुत परेशान है। क्यों? उसका सामने प्रमाण दिखता है कि आज हर व्यक्ति को बिना चीनी की चाय चाहिए। जब चाय पीने जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है, आप चाय वाली चीनी वाली लेंगे कि बिना चीनी वाली? और गलती से अगर आपने कह दिया मैं चीनी वाली पीता हूं तो लोग आपको बड़ा आश्चर्य से देखते कि अच्छा, जैसे कोई बीमार व्यक्ति को देख लिया। सोचिए हमारी दशा कैसी हो गई है। आज से 10 साल पहले तो ये सब नहीं था, अब क्यों हो गया ये? 10 साल पहले तो कोई शुगर को जानता ही नहीं था कि शुगर नाम की चीज क्या होती है। जब किसी का ऑपरेशन होने के लिए जाते थे तब लोग कहते थे कि आज ऑपरेशन रोक दिया है क्योंकि पेशेंट की चीनी बढ़ गई है। तब तो शुगर नाम भी नहीं पता था। आज हर व्यक्ति डिब्बी साथ में लेके घूमता है और हर 15 मिनट बाद टेस्ट करता रहता, कहीं बढ़ तो नहीं गई, कहीं घट तो नहीं गई, कहीं बढ़ तो नहीं गई, कहीं घट तो नहीं गई। ये क्या है? ये वही है। ये कैसा माया जाल में उलझी गईया तेरी। जब घर में कुछ नहीं था, इतने पैसे नहीं होते थे, इतना कुछ नहीं होता था, तब हर व्यक्ति की कैपेसिटी थी एक एक किलो लड्डू खा जाते थे। आज सबकी परमात्मा ने सामर्थ्य बना दी कि आप दुकान खरीद सकते हो, लेकिन एक चुटकी भी खा नहीं सकते। देखिए कैसी स्थिति है। ऐसे पावन सुंदरकांड में हम और आप सब भाव श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान के, राम लक्ष्मण जान की हृदय विराम। तो हम और आप सब गुरुग्राम की इस पावन भूमि को छोड़ करके मानसिक रूप में रामेश्वरम के समुद्र के तट के ऊपर बंदर भालू के रूप में चले, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और मीटिंग चल रही है सभी बंदर भालुओं की कि लंकापुरी जाए कौन। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल करें और भूल जाएं गुरुग्राम को और चलें हनुमान जी के साथ श्रीलंका मां के दर्शन करने के लिए। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन तक जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन तक मैं जा सकता हूं, कोई कहे 80 योजन तक मैं जा सकता हूं, लंकापुरी 100 योजन पर थी, जाए कौन। इसी में बूढ़े जामवंत जी खड़े हुए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का एक दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। के बलि बांधे सि प्रभु बाढ़े यहु सोतन बरणि न जाए, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिणि धाय। जामवंत जी ने कहा कि राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके दो पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके मैंने परिक्रमा करी थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है। बैठ गए। अंगद जी खड़े हो गए और बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिया संशय कछु फिरती बारा, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। इसलिए जामवंत जी आप बताओ कि हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी इस जंगल में वापस आ सके, ऐसा कौन है? जामवंत कह तुम सब लायक, पठ यही सब ही करना। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की ओर देखा जो सबसे पीछे बैठे राम नाम की मुद्रका मुख में डाले केवल एक ही काम कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं बीच पति सुन हनुमान
काचप साधि रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना कोई विवेक भी ज्ञान निदाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए राम काज लगि तब अवतारा सुनते भयो पर जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत किया। कहा आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी के कान में जब ये शब्द पड़े कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है तो खड़े हो गए। जय श्री राम 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 कनक वरण तन तेज बिराजा मान हुआ पर गिरि कर राजा सिंह नाद कर मारहि बारा लीलहि नाग जल निखारा जय श्री राम 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 सहित सहाय राम नहीं मारी मान विहार हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। ऐसा लगा समुद्र के तट के ऊपर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं। ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठी है और ये सारे काम अकेले मैं कर सकता हूं लेकिन आप मेरे गुरु हैं इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो मुझे करना क्या है। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही उचित सिखावन दीजो मोही प्रभु मुझे आप उचित एडवाइस करो मुझे करना क्या है जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं और जितने भी महापुरुष आज तक संसार में हुए हैं उन सभी ने हम सब जीवों को यही शिक्षा दी है कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को परमात्मा ने कोई ना कोई शक्ति दे करके भेजा है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा घर में होता है तो माता हो पिता हो बड़े लोग क्या कहते हैं छोटे बच्चे को बेटा ये मत करो ये करो ये करो और ये मत करो यही शिक्षा देते हैं। ऐसी प्रकार हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो हम सब जीवों को भी यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में ये करो ये मत करो क्योंकि परमात्मा ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई शक्ति देकर के इस संसार में भेजा है। किसी के पास बुद्धि का बल किसी के पास विद्या का बल किसी के पास धन का बल किसी के पास पद का बल किसी के पास भक्ति का बल किसी के पास शरीर का बल। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति गेहूं की एक बोरी को उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता है और जो कई हजार बोरी को खरीदने की ताकत रखता है वो एक भी बोरी को उठा नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति को कोई ना कोई शक्ति दे करके इस संसार में भेजा है। और एक घर का उदाहरण देता हूं जनरल घर में काम वाली आती है बाई वो अपने घर का भी काम करती है और 25 और घर के काम करके आराम से सज धज करके आती है पूरा काम करती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 25 घर के काम करके वापस चलती है और उसी तरह अपने बच्चों को भी पालती है अपना घर के खाना भी बनाती है अपना सब कुछ करती है। उसको परमात्मा ने यह शक्ति दे रखी है और वही हमारे जिनके घर वो आती है अगर उसका गलती से फोन आ जाए कि आज हम नहीं आएंगे आप सोचो हम एक अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं और एक वही औरत वो अपने घर का तो करती ही है उसका तो कोई लेना देना नहीं 25 और घर के करके आती है। ये शक्ति परमात्मा ने दे रखी है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जब व्यक्ति अपने शक्ति का मनमाने ढंग से अपने परिवार में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब वही व्यक्ति अपने परिवार में समाज में रावण बन जाता है। और अपनी शक्ति का मर्यादा में जो अपने परिवार के लिए समाज के लिए सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति अपने परिवार में समाज में हनुमान बन जाता है। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं, और श्री हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया तो पूछ करके किया, मुझे बताओ करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब हम और आप भी अपने आप से पूछें कि हम भी तो अपने परिवार में जीवन जीते हैं, हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए रावण का है कि हनुमान का है, ये अपने आप से आज पूछिएगा। इतना करो पास तुम जाई, सी नहीं देख कहो तो दिखाई, तब निज भुज भल राज बनैना, बहुत लागे संत कप से न संग सधान, निश्चर राम सी कहीं आन है, तय लोक बावर सुन सर्वन तो सुना तकावत कहत समझत परम पद दर पावही, कबीर पर पादो मन पर पास तुलसी गावही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जाकर के केवल माँ जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब माँ जानकी को लेकर के आएंगे। सुन करके श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और हनुमान जी को, क्योंकि कार्य कभी भी करो, भले कोई विरोध में बोले, लेकिन जब कार्य करने जाओ तो प्रसन्न होकर के करो। आप दुखी होकर के कोई भी काम करेंगे वो काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब भी कोई कार्य करो, सुंदरकांड के सूत्र समझिएगा, कोई भी काम जब प्रसन्नता से किया जाता है तो वो काम सफलता की ओर जाता है। हनुमान जी ने विरोध में सुना है, जामवंत लंका नगरी में जा रहे थे, जामवंत जी को कहना चाहिए था कि कम से कम अपना बचाव तो करना, कोई राक्षस मारे तो मार मत खाना, उनको भी तुम सीख देना, लेकिन जामवंत जी ने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुर चलेंगे। इतना उल्टा सुनने के बाद भी हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और सुंदर कांड की पहली आधी अर्धाली ने जन्म लिया। जामवंत के बचन सुहाए, इतना पाकिस्तान कोई किसी को भेज दे स्पाई बना करके, बोले आपको करना कुछ भी नहीं, ये पता लगा करके वापस आना है, कोई जा सकता है? आपको हिमालय में कह दिया जाए बिना लाइट के, जहां पर कि आप बिना टॉर्च के चले जाओ जी, वहां पर से एक बूटी खड़ी उखाड़ कर ले आओ, जा सकते हैं क्या? हम तो अंधेरा हो जाए तो अपने घर में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। विरोध में सुनने के बाद भी हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने तो प्रसन्न हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, और हम पहली आधी अर्धाली में फेल हो जाते हैं कि आज हमें किसी के वचन ही नहीं सुहाते, बाकी सब अच्छा लगता है, कोई बोल भर दे घर में। और कभी कभी हम दूसरों ने, परिवार में समाज में कोई हमें उल्टा बोल देता है तो ऊपर से तो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है कि इस बार तो हमने पूछ लिया, अगली बार को तो पूछेंगे भी नहीं। इसलिए दूसरी आधी अर्धाली ने जन्म लिया। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जब जीवन में इतना धैर्य आ जाए, विरोध में सुनने के बाद भी कार्य करने के प्रति आपके अंदर अति प्रसन्नता रहे और ऊपर भी उतनी ही प्रसन्नता रहे, तब समझिएगा जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ है। जब इतना धैर्य आ जाए, और सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी लिखा कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अरुणारी, भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिरारी, उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं तब हमारे आपके मन में प्रश्न आएगा कथा किसकी सुने। तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय किया है क्योंकि हम पूछते हैं सत्यनारायण की कथा सुने कि भगवान राम की राम कथा सुने कि भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुने। ये भगवान है कौन, किसकी कथा सुनेंगे। तब गोस्वामी जी ने परिचय दिया है नीलोत्पल तनु श्याम जिसके तन का रंग नीला है काम कोटि शोभा अधिक सुंदर मूर्ति ऐसी है कि करोड़ों करोड़ कामदेव भी जिस छवि को देख करके मोहित हो जाए। सुनियता सुगुण ग्राम ऐसे प्रभु के गुणगान चरित्र की कथा सुनो जा सुनाम अग खग बधिक जिसका नाम जीव को समस्त विकारों से इस प्रकार मुक्त कर देता है जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है। ऐसे ही भगवान का नाम भगवान की कथा जब हमारे हृदय में जाती है कानों के द्वारा तब हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया केवल नीला रंग बताया कि भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। नारायण नारायण भज मन नारायण गाइए जाके गाइए श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। राघव राम राजा राम राघव राजा राम राघव भज मन नारायण हे मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण श्री मन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली ताली बजा के सब गाइए भज मन नारायण हे मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण।
श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया है, सुंदर कांड में प्रवेश किया। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणेन्द्र सैद्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसे भगवान को प्रणाम किया है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। सुख बाजार में बिकता है, सारे सुख बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन खरीदे हुए सुख ने आज तक कभी किसी को शांति प्रदान नहीं करी है। शांति जब भी मिलती है भगवान के चरणों में ही मिलती है, इसीलिए भगवान को शांताकार कहा गया है। शांताकारम भुजग शयनम, ऐसे शांताकार भगवान को सुंदरकांड के प्रारंभ में प्रणाम किया। और फिर सुंदरकांड में चूंकि मनोरथ सारे पूरे हो जाते हैं, हम सब मांगते मांगते नहीं थकते और भगवान देते देते नहीं थकता है, इसलिए सुंदरकांड में मांगना सिखाया, क्या मांगना चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे हृदय में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, मैं सत्य कहता हूं क्योंकि आप मेरे अखिल मन को जानने वाले हैं। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे, मेरे जीवन को आप अपनी भक्ति से भर दो, लेकिन भक्ति देने से पहले कामादि दोष रहितम कुरुमान समुचर, मेरे मन को कामनाओं और वासनाओं से पहले खाली कर लो। प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप करो, ये मांगना सिखाया है। यानी हम सबको भगवान से रोज ये एक बार जरूर मांगना चाहिए। अब संस्कृत में मांगना तो कठिन है, इसलिए हिंदी में मांगिए। वैसे तो मांगते होंगे घर में जब आरती करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो एक अर्धाली जरूर बोलिए। कैसे बोलेंगे? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ये तो सबको याद होगी, ये इसी जो संस्कृत में हमने अर्धाली पढ़ी इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में। अब संस्कृत में इसको पढ़िए। भगतिम प्रयच्छ रघुपुं गवनिर्भरान में, कामादि दोष रहितम कुरुमान समुच, ओम जय जगदीश हरे। जैसे भी आपसे बन पड़े वैसे पढ़ो, लेकिन एक बार भगवान से जरूर कहो सुबह से शाम तक में, प्रभु मुझे विकारों से मुक्त करो और अपनी भक्ति दो ताकि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। और फिर हनुमान जी की वंदना करी है इसलिए कि भगवान से मांगने के लिए भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग चाहिए, और भक्ति मार्ग में हम और आप तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक हनुमान जैसा कोई सदगुरु हमारा हाथ नहीं पकड़ता है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन इसलिए सारे अतुलित बल धाम हेम शैला हृदय हम गगज बन किसान सकल गुण निधानम पान राणा मधीश रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा।
हनुमान जी को प्रणाम किया है, हम और आप भी करें, तो ताली बजा के हनुमान जी को भाव श्रद्धा से गाइए। जय 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 हनुमान जी राम राम, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, पीला पीताम्बर पहने मेरे राम जी, पीला पीताम्बर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी गाइए। फल और मेवा खाए मेरे राम जी, 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 लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, मालिक मेरे राम जी पालक 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 मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, 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 और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, इसी आस में हम भी बैठे शायद हम पर, इसी आस, एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, इसी आस में शायद हम पर हो जाए, इसी आस में हम भी बैठे शायद हम पर हो जाए, जिस पर तेरी कृपा हो गई वो भवसागर पार हुआ, जिस पर तेरी कृपा हो गई वो तो भवसागर पार हुआ, चाहे जितनी आफत आई उसका तो उद्धार हुआ, चाहे जितनी आफत आई उसका तो उद्धार हुआ, गण का गीध अजामिल जैसे, गण का गीध अजामिल जैसे, तेरी कृपा से तर पाए, इसी आस में हम भी बैठे शायद हम पर, इसी आस में हम भी बैठे शायद हम पर हो जाए, प्रभु शायद हम पर हो जाए, शायद हम पर हो जाए, बाबा शायद।
सिया राम जय 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 सिया राम जाम बंद के वचन सुहाए सन हनुमंतर जय अनुभाए तब लंग मोय पर के तो भाई सही तो तन्न मूल बल धाई जब लग आवो सी कहि देखी होइ काज होइ हर कुल चेकी यह कहि जाय सवर को माता जय हरि सिय जय रघुनाथा सिंधु तीर दर सुंदर कौतुकूत चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर के पवन तने बलवारी जहि के चरण ते हनुमंता चले उपगा पाताल तरंता जिन भोग रघुबल करवाना ए बात चले हनुमाना जल तरत पर दो तब चारे ते मैदा होए सवारी हनुमान ते पर सा कर पर की प्रणाम राम काज की ने बिना मोहि का विश्राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जाप पवन देवन देखा जाने कहूं बल बुद्ध विजय का तुलसा राम इनके माता पटने आए कहीं ते माता आज सुरन मोहि तीन आहारा सुरत वचन के पवन कुमारा राम कार कर फिर मैं आवो सीता ते सब प्रभु सुनावो तब तब बदन बैठ जवाई सत्य कहो मोहि जान के बाई तब जब जतन बे नहीं जाना जब सिर मोहि तन मन माना जो जन भरते पदन पसारा तब तन कीन बदन राम काज सब करी हो तुम बल बुद्ध निधान आज दे गई तो हर से हनुमान बोलो जय सिया राम जय सिया राम तर्पण मूल सहाय शैल विशाल देखे क्या कहता पर दाई सजो में लागे उमान कछ पन के अधिकारी सब पाप जो काले खाई फिर बढ़ चल लंका कहीं देखे कहीं न जाई यह दुर्ग विजेगी संत कंद विजो पासा करन कोट कर परम प्रगाता जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कनक कोट विच भवन को सुंदर आई नाथना चौहट हट भट कमीते चार पर खच्चर निकाल पद जल रथ मरु धर को तने बहु रूप निश्चय जो कि अजमल से न वर्णत नहीं बने बनबान बनबान का कर मुख वापी सो हरि नर नाग सुर नंदर कन्या रूप मुन मन होहि बहुमान देह विशाल शैल समान अजबल कर जही नाना आकार बिरहि बहु विजय कहि कर कर जही भरत तन भट कोट न पकड़ पर नगर कहुत से दक्ष हे ओ मही समाज सुधेर फल अन कर निशाते कही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछ एक है कही रघुवीर सती रथ सरी नंचार कही दुर्गकवारे देख बहु तब पर तीन चार अदरक रूप धरो निजी नगर करो पैसार बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मतक समान रूप कभी धरी लंका चले सुमिर नर हरि नाम लंकने एक निश्चरी सो कै चल सुमोई ने जरी जान ही नहीं मर मूत कमोरा मोर आहार जहां नहीं चौदा मुड़का एक महा कमा नील गर्भवन धनी डलवनी पुन संभारी उठी सो लंका जोर पान कर दिले सुतंका जब रावण है ब्रह्म मर दीना चल कब रजवा वो जीना विकल हो सीते कपि के मारे अब जाने चर संतारे तात मोर अति पुण्य बहुता हे कौने मेरा मैं कर दूंगा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जी ने लंका नगरी की यात्रा प्रारंभ करी रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी हनुमान जी ने जब छलांग भरी तो जिस पर्वत पर खड़े थे हनुमान जी
और दबाव डाल करके जब छलांग भरी है तो कहते हैं वो पूरा पर्वत ही पाताल में उतर गया था, इतना जोर पड़ा। और जैसे ही उड़ान भरी, अपना प्लेन टेक ऑफ किया, सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए हनुमान जी के इस कौतुक को देखने के लिए, और विचार करने लगे। संदेश शुरू हो गया, रावण की लंका में अकेले जा रहे हैं, जहां ब्रह्मा भी नहीं जा सकता है, इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा करो, जीत भी पाएंगे कि नहीं। तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई, हनुमान जी को बीच रास्ते में ही रोक लिया और कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगा। हनुमान जी ने बहुत समझाया, माँ मैं राम कार्य करने जा रहा हूं, वचन देता हूं कि वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में खुद प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा मैं सर्प की माता हूं, मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने अंडे भी खा जाती हूं, मुझे तो अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा ये मानेगी तो है नहीं, बोला खा लो। तो जैसे ही सुरसा ने मुख खोला हनुमान जी दुगने हो गए, जैसे जैसे सुरसा मुख खोलती गई हनुमान जी दुगने होते चले गए, 100 योजन का बड़ा मुख कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया तब हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं 200 का भी हो सकता हूं प्रभु कृपा से, फिर 400 का भी हो सकता हूं, फिर 800 का भी हो सकता हूं, लेकिन ये यात्रा मैं करता कब तक रहूंगा, मुझे छोटा बन करके कि बड़ा बन करके भगवान का काम करना है, और राम कार्य करने के लिए छोटा बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जब जैसी परिस्थिति बने वैसे बन करके भगवान का काम करो। हनुमान जी तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आए और हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा मां मैंने आपका वचन पूरा किया। हनुमान जी ने हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया, क्योंकि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जिसको बड़ा बन करके छोटा बनना आ जाता है वही व्यक्ति जीवन में राम कार्य कर सकता है, और राम कार्य करने की जब करने जाओ तो कभी कंपटीशन मत करो, विनम्र बनो। कंपटीशन व्यक्ति को अभिमानी बना देती है, विनम्रता ही जीवन में राम कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी ने इस यात्रा में अपना विरोध करने वाली से ही पहला आशीर्वाद प्राप्त किया, और हम सबको सीख दी कि जीवन की यात्रा में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो, और आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के मुख से नहीं हृदय से आशीर्वाद निकले, हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जो काम मुसीबत में कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, जैसे जैसे हमारे समाज में वैभव संपन्नता बढ़ी है वैसे वैसे हम भारतीयता को भूल करके पश्चिमी सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे घर में आज प्रणाम करने की रीति खत्म होती जा रही है, आज केवल 2 शब्द रह गए, हाय और बाय, बस। और जब से हमारे और आपके घरों में हाय हाय होनी शुरू हो गई है तब से एक एक घर में 3-3, 4-4 प्राणी रहते हैं और सभी हाय हाय कर रहे होते हैं। पहले एक ही घर में 25-25, 30-30 लोग रहते थे, एक कमाता था 25 खाते थे और सब मौज में रहते थे, सब घी दूध से भरे होते थे। आज गलती से थोड़ा सा खा लिया तो अपच हो जाती है, नहीं तो मैगी पिज्जा में काम चल जाता है, एक पिज्जा मंगा लो एक एक टुकड़ा खा लो हो गया काम। सोचिए कैसी दशा हो गई है हम सब की। इसलिए 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं कि 20 रुपए की मैगी खाते हैं,
दस किलो आटा महीने में खर्च होना एक घर में खत्म हो गया है, बड़ी मुश्किल से 10 किलो आटा खत्म होता है। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सिंहका को मारा, लंकापुरी पहुंचे, एक शिखर के ऊपर खड़े हुए पूरी लंका का दर्शन किया, सोने की रत्नों से जड़ित जगमगाती हुई लंका, अंदर प्रवेश करना मुश्किल। हनुमान जी ने मन ही मन में निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं और लंका में मैं प्रवेश करूं। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। और हनुमान जी ने मच्छर जितना रूप धारण किया, मशक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। तो हनुमान जी मच्छर जितने छोटे क्यों बने? रावण की लंका में जा रहे थे, दुश्मन के घर, तो क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? डर लगता था तो फिर हनुमान जी को अकेले आने की जरूरत नहीं थी। और यही डर नहीं लगता था तो फिर हनुमान जी को छोटा बनने की क्या जरूरत थी? जैसे थे वैसे के वैसे ही प्रवेश कर जाते। लेकिन हनुमान जी छोटे बने हैं, मशक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी का मत यह है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले हनुमान जी यदि चाहते तो रावण की लंका में भी 100 योजन का बड़ा शरीर कर लेते और रावण की लंका पर जाकर केवल अपना पैर रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में उतर जाती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में जब हनुमान जी ने छलांग उड़ान भरी है तो जही गिरी चरण देई हनुमंता चले उस स्वगा पाताल तुरंता, तो रावण की लंका का तो पता भी नहीं लगता कहां गई। इतनी सामर्थ रखने वाले हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में आपको भगवान की कृपा से कितनी ही प्रभुता संपदा सम्मान प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, आप अपने परिवार में समाज में कितने ही भारी भरकम क्यों न हो जाओ, अपनों के घर में नहीं अपने दुश्मन के भी घर प्रवेश करने के लिए जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। छोटे और विनम्र बन करके आप दुश्मन के भी घर जाएंगे तो वहां पर भी आपका स्वागत होगा, और बड़े और सामर्थ्यवान बन करके आप अपने घर भी जाओगे तो कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। और इसी को गणपति वृत्ति कहते हैं। हम सब गणेश उत्सव मनाते हैं और हमसे यदि पूछा जाए कि हमारे सनातन धर्म में सबसे भारी भरकम देवता कौन? श्री गणेश जी महाराज। माथा जो है हाथी का है, शरीर भी भगवान की कृपा से वैसा ही बना हुआ है, लंबोदर है। ऐसे भारी भरकम श्री गणेश जी महाराज की गाड़ी जो भगवान ने दी है वो नैनो गाड़ी है। चूहे पर गणेश जी बैठते हैं। किस पर बैठते हैं? तो आपने कभी विचार किया कि चूहे पर एक हाथी बैठे और चूहा हाथी जैसे शरीर को बिठा करके भागता है और चूहे को हाथी का भार महसूस नहीं होता है? यही गणपति वृत्ति है कि जीवन में आप गणपति जैसे प्रभुता से संपदा से सम्मान से पद से प्रतिष्ठा से कितने ही भारी भरकम क्यों ना हो जाओ, गरीब के झोपड़े में भी जाओ तो उसको आपका भार महसूस न हो, ऐसा जीवन जिसका बने वही जीवन सुंदरकांड जीवन कहलाता है। हम लोग तो अपनों के घर भी अपने घर भी जाते हैं तो पूरे तामझाम के साथ जाते हैं, पूरे भारी भरकम बनकर के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और हनुमान जी लंका में दुश्मन के घर प्रवेश करने गए तो मच्छर जितने छोटे बनकर के गए, लंकनी ने पकड़ा, इतने छोटे बनकर के गए पकड़े गए। और हम सबको बताया राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह लंका से सीखे, जहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लंकनी ने लंका की ड्योढ़ी पर ही हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा तू चोर को ही खाती है, तेरा आहार चोर है, तो पहले रावण से शुरू कर, जो संसार का सबसे बड़ा चोर है, मेरी मां को चुरा करके लाया है, उसकी तो तू नौकरी कर रही है।
और मुझे चोर कहकर के रोकती है। इस भेद बुद्धि को दूर करने के लिए हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं, सदगुरु केवल एक ही काम करता है। कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया है। लंका नगरी में पहला सत्संग हनुमान जी ने लंका की ड्योढ़ी से शुरू किया। राम नाम का, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। क्या जाने कल की जगत में खबर नहीं, पल की जगत में खबर नहीं। ताली बजा के बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जब तक हंसा रहे मंदिर में, जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की। उड़ गया हंसा खाली मंदिर, माटी जंगल की जगत में खबर नहीं, पल की जगत में खबर नहीं, पल की। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। लंकनी की बुद्धि सुधरी, तो वही लंकनी जो हनुमान जी को खाने की बात कर रही थी, हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। प्रभु मेरे जीवन के आज पुण्य जाग गए, जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। और लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया है। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, महावीर वीर तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुमा हरियत लाए अंग, दुलन ताई सकल मिली जो सकल सत्संग। रमस नगर की जय सब काजा हृदय राज कौशल पर राजा, गर्व सुधारे मकर है मिताए गोपद सिद्धर जिगलाई, गरुड़ समेत देन समताए राम कृपा कर मंदिर शोभा तुम हरिदास नाम होई मोरे जय प्रीत अति होई, की तुम राम दीन अनुरागी आयो हो करण बड़े भागी। हनुमान जी लंकनी की बुद्धि को दीक्षित करके विभीषण के आंगन में ब्राह्मण के रूप में पधारे। अपने घर के आंगन में एक ब्राह्मण को खड़ा देख विभीषण जी पूछने लगे, प्रभु आप हैं कौन? आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। हनुमान जी को लगा इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए, अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो गए और विभीषण के आंगन में हनुमान जी ने पहली राम कथा करी और फिर अपना नाम कहा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा करी है हनुमान जी। दुश्मन के भी घर जाते हैं तो वहां राम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। अपने जीवन की वृत्ति ऐसी बनाओ कि दूसरे के घर जा करके किसी से साथ किसी दूसरे की निंदा स्तुति मत करो, राम कथा करो।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण गान। सुनो पवन सुत धन्य मादि जिमत सदन मा जीव विचारी तादन वह मय जानी अनाथा करिय कृपा बाल गुरु नाथा। तन कछ साधन नाही कीर्तन पद सरोज मन माही अमय बाबा रोधन मंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं जनता। जौ रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहित रच हट दीना। सुनो कवि चंद्रम कैरी थी करि सना से कहो कवन में परम कुलीना कब चंचल सभी विधिना। प्रात ले जो नाम हमारा ते आई न मिला यारा। असमय अधम सखा सुनो बहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुणा भरे मिलो चंडीर। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जगत के भीषण सगल सुनाए कले पवन सुत पिता कराए। ऐसे रोक गयो पर देवा भर सोग सीता जय जय वा। देख मन ही मन की न प्रणाम बैठे पीत जाते निसि जावा। कृष तनु शीश जटा एक बेनी जप दी रे रघुपति को हनुमान जी विभीषण को मंत्र दे करके अशोक वाटिका में पधारे हैं। दूर से माँ के दर्शन किए मन ही मन में प्रणाम किया है। सुंदर कांड में पहली बार माँ जानकी का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जा।